आज जुन चाहिँ दार्जिलिङको एउटा मौसम छ है, यो मौसम अब जति पनि पर्यटकहरू अहिले दार्जिलिङमा घुम्न आइरहेछन् कि आज अचानक यति साह्रो चिसो बढेर गयो, पानी पनि पऱ्यो, र पर्यटकहरूलाई चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कतै हिउँ पर्छ कि भन्ने भयङ्कर एउटा आश रहेको थियो, र त्यही कारण अब यो सन्दकपुरको कतिवटा छेउतिर हिउँ परेको कुरोहरू नै हामीले सुन्यौँ है। र अब यहाँ हामीसित कलकत्ताको पर्यटकहरू हुन्छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ अब दार्जिलिङको जुन चाहिँ चिसो मौसमले धेरै विषयमा अलिकति हामी जानकारी लिन चाहिरहेको छ। आफ्का नाम क्या? तो आज जो दार्जिलिङ का जो मौसम है, इसके लिए क्या आपको कैसा ठंडा महसूस हो रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, बताएं थोड़ा। बहुत तो ठंडा लग रहा है। और जो स्नोफॉल्स का जो अभी आप लोग का भी मन में था कि आज कहीं से स्नोफॉल्स हो जाएंगे तो बड़ा मजा ले लेंगे, ये क्या था आप लोग का? हाँ, ये तो मजा रहा, स्नोफॉल हो जाए तो मजा आ जाता, थोड़ा फोटो खींच लेता तो मजा आता। दार्जिलिंग में आया कितना दिन हो गया आप लोग? 5 दिन हो गया। मतलब ये फर्स्ट टाइम है दार्जिलिंग? नहीं नहीं, हर साल आता। हाँ, तो दार्जिलिंग कैसा लगा आप लोग का जब हर साल आ रहे हैं तो? दार्जिलिंग में तो कुछ तो अच्छा होगा, ये मौसम अच्छा रहेगा इसीलिए आया, फिर साल बड़ा था मौसम के लिए। आप भी कलकत्ता से? हाँ। दार्जिलिंग कैसा लगा? दार्जिलिंग हम लोग हर साल आते हैं, इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है ये हम लोगों को बहुत पसंदीदा है, ये क्लाइमेट और यहाँ का नज़ारा जो है, मतलब कलकत्ता से या कोई भी जगह से सबसे नज़दीक का हिल स्टेशन बोले तो दार्जिलिंग है, और इस हिल स्टेशन से वर्ल्ड का क्राउन जो है कंचनजंगा इतना अच्छा से दिखाई देता है, ये कोई किसी पर भी नहीं, कोई भी हिल स्टेशन में ऐसा नज़ारा नहीं दिखाई देता है जैसे दार्जिलिंग में देता है। इसलिए दार्जिलिंग हम लोग हर साल आते हैं, इस टाइम में 31 को 1 जनवरी को साल के आखिरी दिन, साल के पहला दिन हम लोग इंजॉय करते हैं, इधर आके इधर बिताते हैं, जैसे पूरा साल अच्छा जाए बीते। लेकिन आज का जो मौसम है, जैसा मेरा भाई बोल रहा था, मेरा दोस्त है मेरे साथ आया है, आज का मौसम हम लोग ऐसे ही सोचे थे, मतलब इस साल हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहा, हम लोग सब मौसम में हम लोग देख लिए, सनराइज़ भी देखे, आज बारिश हो रहा है बारिश भी देख लिए, लास्ट हम लोगों का कल निकल जाएंगे हम लोग सुबह, वही देखने का मतलब है अगर एक बार स्नोफॉल्स हो जाए। लेकिन दार्जिलिंग में ऐसा इतना पॉल्यूशन हो गया, इतना पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, इसी कारण में ये क्लाइमेट का जो घटता है यही होते जा रहा है। हम लोग देखना चाहते स्नोफॉल्स अगर वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ये जो अभी आपने बताया पॉल्यूशन का जो बात कर रहा है, प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं पॉल्यूशन को लेकर? प्रशासन को यही बात बोलना चाहता हूँ जो प्रकृति जो है उसका नेचुरलिटी में उसका अलग ही सौंदर्यता है, उसको ख़त्म करने से कोई सभ्यता आगे नहीं बढ़ता है, उसको ख़त्म मत कीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, आदमी को जितना ज़रूरत है जितना तक ज़रूरत होगा उतना ही बनाइए, उससे ज़्यादा मत बनाइए, इसलिए मतलब नेचर जो है नेचर ख़राब होता है इससे, इस नेचर को पकड़ने के लिए हम लोग चाहते हैं कि क्लाइमेट नेचर जो जैसे प्रशासन को जैसे जैसे जिम्मेदारी से देखना चाहिए सब जगह पे, यही हम लोग देख रहे थे व्यू पॉइंट के उधर एक लाइन उधर से मतलब पहाड़ कटते जा रहा है, इतना कटने का क्या मतलब है, पूरा क्लाइमेट ही घट जाएगा, तो आज जो है देखेंगे 100 साल बाद जाके कुछ नहीं रहेगा, यही बात प्रशासन को बताना चाहते हैं। आज कितना ठंडा लग रहा है? आज बहुत ठंडा लग रहा है, सुबह उठे सुबह देरी से ही निकले होटल से, 12 बजे हम लोग सब निकले, अभी घूमने जाएंगे, व्यू पॉइंट घूमेंगे फिर होटल चले जाएंगे, आज जैसे ठंडा लग रहा है जैसे सोने का भी दिन है, जैसे क्लाइमेट इंजॉय करने भी दिन है।